राम मंदिर की तैयारियां अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में मंदिर में 14 स्वर्ण दरवाजों को लगाया जाना था। गर्भगृह में पहला स्वर्ण दरवाजा कुछ दिन पहले लगाया जा चुका था और अब गर्भगृह में सभी दरवाजे लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं मंदिर में लगने वाले सभी स्वर्ण दरवाजे हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी से आए हैं। भगवान रामलला के मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाना कल्पना से परे है। गर्भगृह के दरवाजे की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित लगाए गए हैं। इन दरवाजों को बनाने के लिए कारीगर हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी से आए हैं। इस कंपनी के मालिक शरद बाबू ने बताया कि बहुत ही कम समय में उन लोगों ने काम को पूरा किया है। शरद बाबू ने बताया कि इन दरवाजों को नागर शैली में बनाया गया है। बड़े मंदिरों के दरवाजे बनाने में उनका पुराना अनुभव है। इसी के आधार पर उनके कारीगरों ने बेहद ही बारीक तरीके से लकड़ी की कलाकृतियों को आकार दिया है। राम मंदिर में लगाने के लिए 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे पहले ही रामनगरी पहुंचा दिए गए थे, जिन्हें मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे कड़ी सुरक्षा की निगरानी में रखवा दिया गया था। इन दरवाजों को 15 जनवरी से लगाने का काम शुरू हो गया था और इन सभी 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजों को मंदिर परिसर में लगा दिया गया है। बता दें कि राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों के लिए लकड़ियां महाराष्ट्र से लाई गई थी। इसके लिए खास तरह के सागवान को मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि दरवाजे ऐसे बनाए गए हैं और इस तरह की मजबूत लकड़ी से बनाए गए हैं कि आने वाले हजार साल तक ये खराब नहीं होगा। लगभग 60 कारीगर इस काम में जुटाए गए थे। दरवाजे बनाने के लिए शिफ्ट के हिसाब से काम किया जा रहा था। कम समय में बड़ा काम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।